नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस के दिन चलता रहे मेरा दिल इवेंट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया और इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और ज्वाइंट CP भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान 3 किलोमीटर की मैराथन भी कराई गई, जिसमें कार्यक्रम में शामिल हुए लोग ग्रेटर नोएडा की सड़क पर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आमजन को जागरूक करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें देख सकते हैं, कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। मैराथन का भी आयोजन किया गया और इसमें काफी संख्या में लोग इस मैराथन में भाग लेते हुए नजर आए। कानपुर से आ रहे यात्रियों से भरी ट्रैवल बस अचानक अनियंत्रित होकर कानपुर झांसी मार्ग पर पलट गई। एक्सीडेंट के वक्त बस में कुल 15 से 20 यात्री सवार थे। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी भी यात्री की जान माल का कोई खतरा नहीं उन्हें पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ड्राइवर की लापरवाही और अनदेखी के चलते हुआ है। तो कानपुर का यह पूरा मामला है, जहाँ पर एक बस तेज रफ्तार से आ रही थी और पलट गई। हालांकि बस हादसा ड्राइवर की ही लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि बस में 15 से 20 यात्री सवार थे, लेकिन किसी को भी कोई ज्यादा चोट और नुकसान नहीं हुआ है। कानपुर से इंदौर जा रही है। हाँ, फिर ये क्यों पलट गई, कैसे पलट गई, कुछ पता चला है? ये ब्रेक फेल हो जाने के कारण ड्राइवर पलट गई। अच्छा, कितने लोग इसमें सवार थे? करीब 30 लोग सवार थे। अच्छा, कोई की मृत्यु हुई है, कोई घटना हुई है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता थोड़े तो लोग घायल हों, निकाले जा रहे हैं राहत कार्य जारी। अमेठी के कटेर गांव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति का जायजा लेने के बाद काफी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी घर घर शौचालय योजना के तहत हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे समूह की महिलाओं के माध्यम से ये योजना संचालित की जा रही है, जिससे उनको एक रोजगार का माध्यम भी मिल रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गाँव में सामुदायिक शौचालय बनने से लोगों को बहुत आराम पहुंचा है और साथ ही उन्हें शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, साफ सफाई भी बनी रहती है। वहीं इस मामले पर ग्राम प्रधान ने बताया कि सरकार के इस योजना का लाभ गांव के सभी महिलाओं पुरुषों को मिल रहा है। ये शौचालय बना है, क्या अब हैंड ओवर हो गया है ग्रामीणों को कि अभी भी इस पे? नहीं, हो गया है। हो गया तो किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है ग्रामीणों? अच्छी सुविधा मिल रही है। जिससे गांव के लोग थे पहले खुले में जाते थे, उसके बाद जो है पानी में, बारिश में बच्चों को, महिलाओं को, इन लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा है। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है। शौचालय सार्वजनिक बना है, इसके लिए क्या आप लोग उपयोग कर रही हैं कभी? ये बंद हो रहा है, पहले कैसे आप लोग परेशानी रहा है? कहाँ जाती थी पहले? अरे अगिया बगिया खेते बाड़ी सब जात रहे, बहुत परेशानी रहा, अब रात बिरात दिक्कत रहा। अब जो नए सब जाए लागे सब, अब सुविधा है? हाँ, सुविधा है। तो ये सरकार की योजना थी, इसके लिए सरकार को आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज दिन एक्सीडेंट के मामले सामने आते रहते हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक ट्रक चालक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी और बस में 16 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो आगरा का पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है और ऐसे में बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें बस में 16 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 यात्रियों को काफी चोटें आई हैं। आगरा के कनराऊ बम्बा के पास से पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बता दें अभियुक्त का नाम सत्यप्रकाश बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तो आगरा का पूरा मामला है, जहां पर अवैध तमंचा सहित पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस अपराधियों के प्रति अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके पास अवैध तमंचा भी बरामद किया है।
लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में एक आदमी ने अपनी पत्नी को किरायेदार के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर किरायेदार को जमकर पीट दिया। जानकारी के अनुसार आदमी ने पड़ोसियों के साथ मिलकर किरायेदार को रस्सी से बांध कर पीटा, जिससे वो काफी घायल हो गया। फिलहाल घायल किरायेदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो लखीमपुर खीरी का यह पूरा मामला है, जहां पड़ोसियों ने किरायेदार की जमकर पिटाई की है, जिसके बाद बुरी तरह से किरायेदार घायल हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीमपुर खीरी का यह पूरा मामला है, जहां पर किरायेदार की जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भीड़ ने, वहां पर मौजूद लोगों ने किरायेदार को जमकर पीटा है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में एक आदमी ने पत्नी को अपने किरायेदार के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद वहां पर मौजूद पड़ोसियों और कुछ लोगों ने किरायेदार को जमकर पीटा, जिसके बाद उसे अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास के पास सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे एमटीए द्वारा विवादित जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इस दौरान जमीन पर काबिज लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। हंगामा और विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने जबरन गाड़ी में डालकर उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि इस विवादित जमीन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर विवादित जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। हाईकोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश वहां पर देखने को मिला। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वहां पर मौजूद लोगों और पुलिस के बीच झड़प होती हुई नजर आई। जेसीबी की मदद से वहां पर ये अवैध कब्जा जो था उसे मुक्त करा दिया गया है। विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था लोगों को, जिसको शासन प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक हटाया गया। कुछ लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया, उनको शांतिपूर्वक हम लोग थाने में खरखौदा थाने में भेज दिए। अब यहाँ पे कोई, अब तो कोई नहीं रहा, नहीं। अब यहाँ पे शांति व्यवस्था है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और यहाँ से अवैध प्राधिकरण जो बहुत पुराना था उसको हटा दिया गया। सर, विरोध करने में कुछ लोग भी अरेस्ट हुए हैं क्या? अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनको हम लोग आराम से शांतिपूर्वक बैठा दिए हैं कि उनके द्वारा कोई बाधा शासन प्रशासन के कार्यों में न डाला जाए। मेट साहब, जो जमीन मालिक बता रहे हैं कि हमें जो है जमीन पर हमें जबरन कब्जा हटाया जा रहा है, नहीं, अब मालिक हमारे पास कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ जबरदस्ती करते हैं? नहीं नहीं, जबरन कब्जा कोई नहीं हटाया गया है, जो नियम कानून है, जो विधि व्यवस्था है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की गई है। गोंडा बलरामपुर के सीमा पर राज्य मंत्री पलटू राम का भव्य स्वागत किया गया। बता दें, योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बलरामपुर सदर विधानसभा के विधायक पलटू राम को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से जनपद वासियों के बीच खुशी की लहर देखी जा सकती है। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का शपथ लेने के बाद पलटू राम का जनपद में प्रथम आगमन हुआ और इस दौरान चर्चा करते हुए राज्य मंत्री पलटू राम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी 5 अक्टूबर को पागमरी मठ में उनकी होगी और ऐसे में निमंत्रण के लिए कार्ड भी छपने के लिए दे दिए गए हैं। बता दें, देश भर से 8000 से ज्यादा लोगों को इसमें बुलाया गया है और इनमें संत महात्माओं से लेकर तमाम राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस संस्कार में शामिल हो सकते हैं। उधर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों और दूसरे पदाधिकारियों ने अब महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत नामे के आधार पर बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का मन बना लिया है। अनौपचारिक बैठक में तय भी कर लिया गया है। हालांकि अखाड़े के संतों के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को ठुकराने या चुनौती देने का कोई बड़ा आधार भी नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी को बता दें, बलबीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान 5 अक्टूबर को कर दिया जाएगा।
कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल दूसरी लहर के प्रकोप के बाद देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। इनमें भी दक्षिण राज्य केरल से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 24 घंटे में 2,148 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 2,272 एक्टिव केस कम हो चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 18,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और 169 लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि बता दें 201 दिनों के बाद मंगलवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम रही। ऐसे में केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,196 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,52,810 हो चुकी है। इसके अलावा 139 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 24,810 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सोमवार से 18,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण से उभरने के बाद लोग ठीक भी हुए हैं। लोगों की कुल संख्या 44,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं केरल में एक्टिव केस मरीजों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में लगभग 46,000 से ज्यादा कोविड की जांच की गई। 14 जिलों में बता दें जांच की गई और सबसे ज्यादा 1,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद बता दें कोल्लम में 1,273 मामले सामने आए, जबकि त्रिशूर में 1,271, एर्नाकुलम में 1,132, मल्लपुरम में 1,061 और कोझिकोड में 908 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में फांसी के फंदे से लटका हुआ युवक का शव मिला। वहीं शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक रिश्तेदारी में आया था, वहीं युवक की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में शेर मोहम्मद अपने दोस्तों दीपक और अंकित अतुल के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र में स्थित चिंतामणि तालाब में नहाने के लिए गया था। नहाते नहाते शेर मोहम्मद गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिस पर साथ में नहा रहे दोस्तों ने शेर मोहम्मद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। पर किसी तरह दोस्तों ने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 250 से ज्यादा यात्रियों को ई पास मिलने के बाद भी स्लॉट बुक हो जाने की वजह से बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक दिया गया है। यात्रियों ने यात्रा व्यवस्था में ई पास जारी होने और यात्रा पर आ रहे यात्रियों की वास्तविक स्थितियों पर कोई व्यवस्था न होने पर आक्रोश जताया। वहीं रोके गए यात्रियों का कहना है कि ऋषिकेश से यहाँ तक आ गए, लेकिन रास्ते में हम कोरोना जाँच के पत्र या फिर वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब यहां हमें रोका जा रहा है। तो बता दें यात्रियों को रोका जा रहा है। ऐसे में 250 यात्रियों को वापस भेज दिया गया है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले कहा गया था, लेकिन चमोली में ही यात्रियों को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ जो यात्री यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ई पास नहीं होने की वजह से उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। और 8:30 बजे से मैं इनको मतलब लिस्ट वगैरह बता दी इन्होंने को। मैंने कहा दो दोस्त सब के लगे, मैं हम 25 आदमी राजस्थान से आए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और सभी बुजुर्ग आदमी, सब 60 और 65 साल की उम्र के आदमी, टोटल 65 साल के ऊपर के आदमी, 60 और 65 की उम्र के आदमी है। इससे कोई बच्चा नहीं है या कोई बूढ़ा, मतलब कोई जवान नहीं है। हमें मालूम नहीं पड़ रही, हम पढ़े लिखे नहीं है। इसमें ये जो हमको जरो भेज दिया और वहाँ से कह दिया वहाँ पूरा एजम साहब बैठे हुए हैं, सारा काम कर देंगे वो। अब हम जैसे मतलब क्या गंगोत्री जाके आए हूँ मैं, और गंगोत्री में वहाँ जाते ही बना दिया बेचारों ने।
तो बता दें बद्रीनाथ जो यात्री यात्रा करने के लिए दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर 250 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं, जिनके पास ई पास मिलने के बाद भी स्लॉट बुक हो जाने की वजह से बद्रीनाथ जाने की उन सभी यात्रियों को इजाजत और अनुमति नहीं दी गई, उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक दिया गया। वहीं यात्रा व्यवस्था में ई पास जारी होने और यात्रा पर पहुंच रहे यात्रियों की वास्तविक स्थितियों पर कोई व्यवस्था न होने पर आक्रोश यात्रियों द्वारा जताया जा रहा है। ऐसे में रोके गए यात्रियों का कहना है कि ऋषिकेश थे वो वहां तक आ गए, लेकिन रास्ते में किसी भी हमें कोरोना जांच के लिए वैक्सीनेशन के अनिवार्यता की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब यहां हमें रोका जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 250 से ज्यादा यात्रियों को रोका जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक की गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारी संख्या में अब जब से चार धाम यात्रा खुली है तब से यात्री भारी संख्या में यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन यात्रियों को रोक दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।